गाइस वेलकम बैक नो नेम पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट तो अब हमने मुझे लगता है हम नया साल में नया नाम रख देना चाहिए अब हमें। हाँ मेरे को भी लग रहा है नो नेम के जम नहीं रहा लोगों को, मुझे लग रहा चेंज नेम चेंज नाम ही कर देते हैं चेंज नेम पॉडकास्ट। अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो सजेस्ट करिए, सजेस्ट करिए यार कमेंट में नीचे लोगों को बताइए। हम वापस आ गए 2023 में और आज हम प्रीव्यू या रिव्यू प्रीव्यू होगा प्रीव्यू है हमारी पठान की प्रेडिक्शन है कि क्या आने वाला है। पहली बड़ी मूवी आने वाली है, शाहरुख खान वापस आ रहे हैं 4 साल के बाद। देखिए जैसे हमने पहले कहा था कि अब तो आ रही है कि जैसे एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, 3 लाख कह रहे हैं टिकटें बिक गई हैं ट्यूसडे तक, तो ट्यूसडे तक और वेडनेसडे को मूवी लगा रहे हैं। वेडनेसडे एक तो नॉन हॉलीडे भी है, आप ये भी देखिए लोग आई थिंक शाम को, पर लोग सुबह सुबह भी जा रहे हैं, पता नहीं कौन से वेले लोग हैं जो सुबह 6 बजे जा रहे हैं मूवी देखने, पर जो भी बिजनेस आएगा शाम को ही आएगा यूजुअली। मतलब अभी के हिसाब से तो कह रहे हैं 30 करोड़ कह रहे हैं एटलीस्ट, मिनिमम से मिनिमम 30 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। वो जो वॉकिंग आएंगे वो पता चलेगा क्योंकि इसका जो मेजोरिटी है ये पहले वेडनेसडे से संडे ही होगा मेरे हिसाब से, और जो सारी मूवी में वैसे होता है। अब अगर जैसे ही लोग कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन देखो 100 तक तो ये पहुंच जाएगी, बिकॉज 3 दिन तो कर लेगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुकिंग लोगों ने 3 दिन तक तो बुक कर दिया, मतलब 40-30-30 करके या 40 अभी 100 तक तो पहुंच गई। अब इसका है कि मूवी अच्छी नहीं होगी या नहीं होगी, ये आपको फर्स्ट हम भी अपने चैनल पे रिव्यू करेंगे। हम जा रहे हैं थर्सडे को, थर्सडे को शाम को आपको थर्सडे को जा रहे हैं, शाम को देंगे, थर्सडे को रिव्यू आ जाएगा हमारा, रिव्यू आ जाएगा सीधा थिएटर से, इंस्टेंट रिव्यू देंगे हम सीधा थिएटर से, शॉर्ट भी बना देंगे, मूवी खत्म ही नहीं होगी पहले कह देंगे, शॉर्ट भी बना देंगे और वो भी कर देंगे। तो आपके लिए आपकी जो प्रेडिक्शन है, मतलब क्योंकि जो आप कह रहे हैं ट्रेलर तो मेरे को बहुत बुरा लगा है, ऑनेस्टली सेइंग है ये, ऑनेस्टली सेइंग। अब आप बोल नहीं सकते, देखो ट्रेलर में कुछ है नहीं, पता नहीं क्या वो काइटे उड़ा रहे हैं और जॉन का भी कुछ ऐसा है, मतलब कुछ लग नहीं रहा है ट्रेलर में ना, एक्शन है 2-3 सीन। अब इनका मेन है कि ये शाहरुख खान की मूवी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रन टाइम कैसे चलता है, डायलॉग्स क्या है बीच में, गाने क्या है, अगर बीच में और गंदे गाने आएंगे, और इसमें मेन ये भी कि दीपिका के साथ क्या कितना बोरिंग वो कितना है लव एंगल। अब जैसे कह रहे हैं कि सलमान आ रहे हैं 20 मिनट की, अब उनका रोल क्या होगा 20 मिनट का, सुनने में ये भी है कि ऋतिक भी आ सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, तो फिर मतलब मूवी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए अगर इन्होंने बहुत मतलब 250-300 करने हैं, क्योंकि 100 तक तो ये 100 तक तो पहुंच गई क्योंकि हाइप है, हाइप से 100 तक पहुंच जाएगी, 100 के बाद जो मूवी को स्टोरी और उसका जो लोगों के वर्ड ऑफ माउथ अगर गंदी होगी तो ऐसे वाइल्ड फायर की तरह होगा, और अगर अच्छी होगी तो वो भी वाइल्ड फायर। मुझे लगता है कोई इस मूवी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत ही मतलब अच्छी मतलब ऐसी मूवी होगी कि कोई मतलब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी हमारे क्रिस्टोफर नोलन भी आ रहे हैं तो मतलब वैसे लेवल थोड़ा ही है, बट वो सिर्फ वरुण धवन की मूवीज होती है उसमें सही बात कह रहे हैं, वरुण धवन और अर्जुन कपूर की, वो लेवल पे रीच करना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से ना मूवी जो है वो एवरेज ही होगी, जो सबके सब सारी मूवी होती है, बट इसमें शाहरुख की आपने देखी पिछले 4-5 सालों जब भी उनकी मूवी सारी मतलब बिलो द एवरेज थी, बिलो अगर ये भी बिलो एवरेज हुई तो बड़ा ही जो उनके फैंस भी हैं जो देखने भी जा रहे हैं, हमने भी बहुत पैसे खर्च करके जा रहे हैं मूवी देखने और 2.5 घंटे की मूवी है तो पता तो चल ही जाएगा, और ट्विटर पे काफी ट्रेंड हो रही है मतलब की हर जगह, और इन्होंने एक और भी अच्छी चीज कही जो जैसे आपने देखा कि प्रमोशन नहीं करी है, क्योंकि सबसे घटिया जो इंडिया में सबसे घटिया जो लोग हैं वो जर्नलिस्ट होती है मतलब कि वो ही आपको खड्डा खोद के डाल देते हैं उसके अंदर, सर जी वो सब छोड़िए ये बताइए वहां पे बम फूटा आपको क्या रहा है, और एक्टर्स बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा करा, ना टीवी प्रमोशन, ना कोई टीवी शो, ना कोई टॉक शो, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई यूट्यूब, सिर्फ ट्रेलर और अपना जो इनका वाइफ है उसमें डाल दिए 2-3, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी काम आई थिंक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आप पैसे भी सेव करते हो बहुत। हाँ पैसे सेव करते हो, और बाकी ये है कि अब लोगों को आपको देखना है तो वो सीधा वहीं देखेंगे, अगर आप बार बार लोगों को शक्ल दिखा रहे हो तो लोग इंटरेस्ट में। और इन्होंने देखा आपने 25 को ये रिलीज है और 10 को ट्रेलर आया, 10 को ट्रेलर आया, बड़ी मतलब स्ट्रैटेजी देखेंगे कैसे, पहले गाना आया फिर ट्रेलर आया फिर गाना आया, फिर बस ये 3 चीजें आई और ट्रेलर भी मतलब 2.5-3 मिनट्स, और कह रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद सलमान का ट्रेलर भी इन्होंने कर रखा है कट और वो भी डाल देंगे। हाँ तो मतलब जैसे आपको याद होगा 2 दिन के बाद सबको पता चल जाएगा सलमान है इसमें। हाँ वैसे सबको पता ही है, सलमान ने खुद ही बोल दिया मूवी, खुद ही तो इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हाँ मैं नहीं, जहाँ पे हम मूवी देख रहे हैं वहाँ पे कास्ट में सलमान खान का नाम लिखा हुआ है। हाँ, और तो, फोटो भी लिखी हुई है। हाँ, तो फिर मतलब नहीं वो तो उन्होंने खुद ही बोल दी, खुद ही बोल दी गारंटीड है, वो तो खुद ही जब कोई पूछ रहा था उनसे वो बोल रहे हैं कि हम इसमें भी है फिर उसमें भी है, तो वो तो चलिए अलग है,
बट और जो ऋतिक का है, क्योंकि मुझे लगता है ऋतिक होगा तो फाड़ देगा, हाँ, मुझे लगता है फिर तो रूप तो फट जाएगी अगर ऋतिक का होया तो, क्योंकि मुझे लगता है इसमें ओवर नहीं हो जाएगा आपको लगता है सलमान भी ऋतिक भी नहीं, इसमें मुझे लगता है इनको फायदा कहाँ होगा कि स्पाई यूनिवर्स से फायदा हाँ। होगा, मतलब वो कोई भी यूनिवर्स होती तो लिंक कहाँ से कहाँ होता है उसी में आधा घंटा निकल जाता है, या फिर ये मार्वल का एंड में जैसे क्या बोलते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन डाल देंगे ऋतिक का। हाँ मे भी जैसे नहीं मार्वल में क्या अपने रोहित शेट्टी करते हैं, सूर्यवंशी में क्या पोस्ट क्रेडिट उनकी एक्टिंग सबको पता है इधर जाती है उधर जाती है, जॉन का थोड़ा वही है बट अच्छे लग रहे हैं क्या, और तो कुछ है नहीं, मतलब वो पहली मूवी में बेचारे आएंगे मर जाएंगे क्या होगा उनका, और स्पाई यूनिवर्स खत्म हो गया, उनका स्पाई यूनिवर्स स्टार्ट होते खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको बताइए जैसे हमारे सबके भाई सबके जान, भाई जान आएंगे उसपे ही ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं 25 को ये आ रहा है तो साथ में ही कर रहे हैं लॉन्च, तो मेरे को क्या लगता है ज्यादातर मुझे लगता है आपकी क्या प्रेडिक्शन आपने बताई नहीं फाइनल, मुझे लगता है वही जैसे मैंने बोला मूवी तो एवरेज रहेगी, एवरेज के हिसाब से क्या एवरेज के साथ मूवी एवरेज रहेगी, बट इस मूवी को एवरेज होते हुए भी ये 300 करोड़ तो पार है, 300 पार है, 300 तो नेट इंडिया, हाँ मतलब नहीं नेट 250 तो पार है नेट इंडिया, 250 नेट इंडिया, और आपको पता है वर्ल्ड वाइड में तो फिर नहीं वर्ल्ड वाइड तो बात ही नहीं कर रहे, वर्ल्ड वाइड हम नेट इंडिया बात कर रहे हैं, हाँ नेट, मेरे को ये लगता है कि अगर अगर ठीक भी हो तो मैक्सिमम 200 प्लस, और अगर जाते मेरे को प्रेडिक्शन है कि बेकार होगी मूवी तो मेरे को लगता है 150 बस, 150 शुरू का जो 100 आएगा पिछले 30 और उसके बाद ये डाउन चली जाएगी, चलिए मेरी प्रेडिक्शन है, तो आप भी अपनी प्रेडिक्शन लिखिए और रिव्यू आएगा हमारा थर्सडे को, सब्सक्राइब करिए लाइक करिए, मिलते हैं, बाय बाय बाय।